अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद नासर अली और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल ट्यूटोरियल गीक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डायसेट स्विच के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि डायसेट स्विच कितनी टाइप्स के होते हैं, उनको रिसीवर में कैसे सेट करते हैं और किस तरह केबल उनके साथ लगाते हैं। ये तमाम डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये आपके सामने डायरेक्ट स्विच पड़े हैं। ये जो डायरेक्ट स्विच है ये 8x1 है, मीन के इसमें आप 8 सेटेलाइट लगा सकते हैं, ठीक है। 8 LNB इसमें लग सकती है एक रिसीवर के साथ। उसके साथ ही ये जो दो पड़े हैं ये 4-4 पोर्ट वाले डायसी स्विच हैं, ठीक है। ये न्यूसेट कंपनी के और ये यूरोसेट के, तो इनके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको इनका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा कि इनको आपने कैसे यूज करना है, कैसे केबल लगानी है और रिसीवर में सेटिंग कैसे करनी है। काफी सारे दोस्तों को पता भी है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो उन लोगों को काफी फायदा होगा इससे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 4 पोर्ट वाले डायसी स्विच की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि डायसी स्विच की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। पहले इस चीज को आप समझिए, डायसी स्विच की जरूरत इसलिए पड़ती है अगर आप एक रिसीवर के साथ एक से ज्यादा सेटेलाइट लगाना चाहते हैं। अगर आप एक रिसीवर के साथ एक से ज्यादा LNB या सेटेलाइट लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको इस डायसी स्विच की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दोस्तों, अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक रिसीवर पर एक से ज्यादा सेटेलाइट्स देखना चाहते हैं या आप एक रिसीवर के साथ एक से ज्यादा LNB को सेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस डायसेट स्विच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों, पहली बात तो ये होगी। उसके बाद हम आते हैं कि ये कितनी टाइप्स के होते हैं। दोस्तों ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहला होता है 4x1, दूसरा होता है 8x1 और तीसरा होता है 16x1। जो नॉर्मल चाइना के रिसीवर होते हैं, उनमें ज्यादातर जो सपोर्ट करते हैं डायसेट स्विच को, वो 4x1, 8x1 या 16x1। तो ज्यादा से ज्यादा जो पोर्ट्स होती हैं वो 16 होती हैं, जो कि चाइना के रिसीवर में सपोर्टेड होती हैं। दोस्तों, इसकी जब हम सेटिंग करते हैं रिसीवर में, तो इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं डायसेट में से 1.0, और जब 8 वाली स्विच को यूज करते हैं तो उसका हम जब रिसीवर सेटिंग में जाते हैं तो यूज करते हैं 1.1, और जब 16 वाला आप डायसेट लगाएंगे तो फिर भी आप डायसेट में जाके सेटिंग में डायसेट 1.1 को ही सिलेक्ट करेंगे। 8 पोर्ट और 16 पोर्ट दोनों के लिए 1.1 यूज होगा, और 4 पोर्ट वाले के लिए जो होगा वो डायसेट 1.0 होगा रिसीवर सेटिंग में। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि डायसेट स्विच का हम यूज क्यों करते हैं, एक से ज्यादा सेटेलाइट एक रिसीवर पर देखने के लिए या एक से ज्यादा LNBs एक ही रिसीवर के साथ लगाने के लिए हम डायसी स्विच का यूज करते हैं मल्टीपल सेटेलाइट को सेट करने के लिए। तो दोस्तों, मैं ये आपको ओपन करके बता देता हूँ, फिर हम रिसीवर की तरफ जाते हैं और सेटिंग देखते हैं कि कैसे होंगी। तो ये पहले 8 पोर्ट वाला ये देख लीजिए, स्टार्टर कंपनी का है। दोस्तों, ये देखें 8 पोर्ट का है। दोस्तों, ये जो इसकी पोर्ट होती है, ये देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूनर, मीन के यहाँ पे रिसीवर की जो केबल होगी वो लगेगी और बाकी इन 8 पोर्ट्स में 8 LNB की वायर्स लगेंगी। तो हम 8 सेटेलाइट 8 LNB एक रिसीवर के साथ लगाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये जो 4 पोर्ट वाला होता है ये थोड़ा सस्ता होता है, ये आपको 150 या 200 में मिल जाता है, और ये जो 8 पोर्ट वाला है ये तकरीबन आपको 900 या 1000 रुपए में मिलेगा। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है 8 पोर्ट वाला, ठीक है। दोस्तों, तो इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि 150 या 200 का आपको इजीली मिल जाता है, 100 का भी मिल जाता है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी लो होती है। तो 150 या 200 का आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है, और ये जो है 900 या 1000 रुपए का आपको 8 पोर्ट वाला मिलता है। और अगर 16 पोर्ट वाले की बात करें तो वो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, 2500 या 3000 का आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इनकी प्राइस की भी बात होगी, ये मैंने आपको बताया है। अगेन मैं आपको बता दूं, तो 4 पोर्ट वाला भी स्विच ये देखिए, ये रिसीवर इन, यहाँ पे रिसीवर की में जो केबल होती है वो लगेगी रिसीवर से जो आती है, और बाकी यहाँ पे 4 LNBs आप लगा सकते हैं। तो 4 सेटेलाइट देखने के लिए 4 पोर्ट वाला, और 4 से ज्यादा सेटेलाइट देखने के लिए 8 पोर्ट वाला, और उससे भी ज्यादा अगर आपके पास सेटेलाइट हैं तो आप 16 पोर्ट वाला डायसेट स्विच ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात होगी इन्फॉर्मेशन के, किस तरह हम इनको
यूज करते हैं, तो अभी हम प्रैक्टिकली जाके रिसीवर में सेटिंग देखते हैं कि इनके रिसीवर में सेटिंग कैसे होगी। तो चलिए टीवी की तरफ जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि रिसीवर में हम किस तरह सेटिंग करेंगे। दोस्तों ये देखिए, मैंने अपने रिसीवर की सेटिंग खोली है सेटेलाइट की। तो सब रिसीवर्स में जो सेटिंग होती है वो तकरीबन सेम ही होती है डायसिस स्विच की। जब आप सेटेलाइट की सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डायसिस की ऑप्शन वहाँ पर शो होती है और वहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूँ रिसीवर में कहाँ पर, ये देखिए डायसिस 1.0, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि चार पोर्ट वाला जो डायसिस स्विच है उसको जब आप यूज़ करेंगे तो आप ये वाली फंक्शन को यूज़ करेंगे, डायसिस 1.0 को। यहाँ पर आपको सिर्फ चार पोर्ट्स मिलती हैं, देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चार पोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं डायसिस 1.0 में। तो अगर आप चार पोर्ट वाला डायसिस स्विच यूज़ करना चाहते हैं तो आप पहले चार LNB लगाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने पास नोट कर लेंगे कि आपने LNB जो लगाई है वो कौन सी पोर्ट में लगाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक पोर्ट में आपने NSS6 लगाई है, दूसरी में पाकसेट लगाई है। तो आपने यहाँ पर आके LNB1 में NSS6 और LNB2 में पाकसेट सेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग आपने वही रखनी है जहाँ पर आप LNB की केबल लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने अपने पास नोट कर लेना है कि LNB जो आप लगाएंगे, फॉर एग्जांपल NSS6 वाली जो LNB की केबल है या वायर है, वो आप डायसिस स्विच की कौन सी पोर्ट में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप NSS6 की जो केबल है वो LNB1 में लगाते हैं तो यहाँ पर आके आप LNB1 को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 2 में लगाते हैं तो 2 सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह बाकी जितनी भी सेटेलाइट, 3 सेटेलाइट आप लगाएंगे, जिस पोर्ट में लगाएंगे वो पोर्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो बात होगी चार पोर्ट की, कौन कौन सी पोर्ट हम यूज करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं डायसिस 1.1 की, मीन के चार से ज्यादा जब आप सेटेलाइट यूज करना चाहेंगे तो आप डायसिस 1.1 को यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको कितनी पोर्ट्स मिलती हैं, देख लीजिए आप, 16 पोर्ट आप यूज कर सकते हैं डायसिस 1.1 में। तो ज्यादातर जो बॉक्सेस आते हैं उनमें यही दो ऑप्शंस होती हैं डायसिस को यूज करने के लिए, एक होता है डायसिस C1.0 और दूसरा होता है डायसिस C1.1। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनका यूज कैसे किया जाता है। अगेन आपको बता दूं, चार पोर्ट वाला डायसिस आप यूज करेंगे तो आप डायसिस 1.0 को यूज करेंगे। अगर चार से ज्यादा आपके पास सेटेलाइट हैं तो फिर आप डायसिस 1.1 को यूज कर सकते हैं। तो इजी है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। जस्ट आपने डायसिस में जाके जिस पोर्ट में आपने जिस LNB की केबल लगाई है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लें। इसी तरह सब सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके पास जितनी भी सेटेलाइट हैं वो मर्ज होके आ जाएंगे और उन सबके चैनल आप एक ही रिसीवर पर देख सकते हैं। तो इजी मेथड है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कन्फ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको सेटिस्फेक्ट्री आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि डायसिस 1.0 और डायसिस 1.1 को कैसे यूज किया जाता है। इनकी प्राइस मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, चार पोर्ट वाला जो स्विच होता है वो आपको तकरीबन 150 या 200 में मिल जाता है, और ये दूसरा जो डायसिस 1.1 होता है इसमें एक तो 8 पोर्ट वाला स्विच आता है जो कि मैंने आपको दिखाया भी है, मैंने आज ही बाय किया है, और दूसरा जो होता है डायसिस वो 16 पोर्ट वाला होता है। तो ये जो है ये तकरीबन 900 या 1000 के दरमियान आपको मिल जाता है, 900 से लेकर 1000 के दरमियान इसकी प्राइस है 8 पोर्ट वाले डायसिस स्विच की। और 16 पोर्ट वाला अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2500-3000 का आपको मिल जाता है। तो दोस्तों एक और मैं आपको बात बता दूं एहतियात के लिए कि जब भी आप डायसिस स्विच यूज करें तो कोशिश कीजिए कि उस पर पानी ना पड़े, उसको आप किसी चीज से कवर कर दें या ऊपर जो बाल टेप होती है वो लगा दें, जहां आप केबल्स लगाएं वहां पर आप वो टेप लगा दें, ताकि पानी जाने से जो पोर्ट्स होती हैं डायसिस स्विच की वो डैमेज हो जाती हैं और इससे आपका जो स्विच होता है वो जाया होने का खदशा होता है। वैसे तो चार पोर्ट वाला तो चले सस्ता है, 100-150 का आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप 8 या 16 पोर्ट वाला स्विच
खरीद के लगाते हैं तो उसके लिए आपको केयर करनी पड़ती है, ठीक है। वो केयर के लिए मैंने आपको बता दी कि जहां जहां आप जिन जिन पोर्ट में भी केबल लगाएं वहां ऊपर आप बाल टेप लगा दें ताकि वहां पानी न जाए, क्योंकि पानी जाएगा तो वो पोर्ट डैमेज हो जाएगी और आपका जो स्विच है डाइजिक एक्सपेंसिव स्विच होगा वो खराब हो जाएगा और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।